आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। ये है हमारा मीट बॉस का मॉडल नंबर DCJ1100S और ये एक प्रोफेशनल का जोन है। इस प्रोफेशनल का जोन में क्या क्या खूबियाँ हैं वो मैं आपको बाद में बता पाऊँ। अभी इसका बेसिक जो है ये, इसको हम बोलते हैं मेन, इसको टापा बोलते हैं, जो फ्रंट साइज है इसका। और इसमें आप देखेंगे बहुत खूबसूरत यहाँ पे गोल्डन कलर के नट्स लगे हैं, यहाँ पे इससे स्क्रूज लगे हैं जो, इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसके बेसिक जो इसके अंदर हमारी जो रिदम का जो पैटर्न है वो तीन तरीके से, तीन बीट से मिलके बनता है। यहाँ पे मेन इसका पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं बेस, दूसरा स्नेर, इतना हाइस, जो उसके अंदर पहले हाथ रखने का तरीका है। जब हम बेस को बजाते हैं तो फिंगर की टॉप जो होती है आपके आगे की, ये इससे बजाते हैं। सेकेंडली जब हम स्नेयर बजाते हैं तो ऐसे बजाते हैं इसको, सेम पैटर्न से या दोनों हाथ से, या फिर स्नेयर के लिए हम तो इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अभी आपको आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा मैं कि ये जो है तो इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब आ जाइए टॉप पे, को यूज करते हैं। अब बात आती है हमारे, हम कई तरीके से इसको फिंगर की को यूज करते हैं। मैं एक्चुअली लेफ्टी हूँ तो मैं बेस को लेफ्ट से बजाता हूँ। तो आपका किसी भी हाथ से आप बजा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको कप टाइप से नहीं बनाना हाथ का ऐसे, उसमें भी कई जगह इस कई जगह यूज होता है, जैसे वहाँ पे यूज होता है इसका। तो मेनली हमें हर जगह पे कप हैंड का कप बना के नहीं बजाना है, तो स्ट्रेट ही आगे फिंगर के जो आगे का हिस्सा उससे बजाना है। आप तो सिंगल स्नेयर बजा सकते हैं, और एक तरीके से हम यूज करते हैं टॉम। तो इसमें हम टॉम कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास सिंगल पैटर्न है तो हम टॉम कैसे यूज़ करेंगे। तो टॉम हम अपने लेग से, राइट से या लेफ्ट से, दोनों जगह से बजा सकते हैं इसको। तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं टॉम का। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो मैं जैसे मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट डे से ही इंडियन सॉन्ग के ऊपर आपको बीट स्टार्टिंग कराऊंगा। तो हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उस गीत का नाम है वॉल्स बी, वॉल्स बी। इसकी टाइमिंग होती है 1 2 3 1 2 3। तो हम देखिए हाथ रखने का तरीका कैसे है हमारा। हम पहले बजाएंगे बेस,
देखिए, हाथ देखिए मेरा, अब इसकी ये है फर्स्ट बीट है, वन ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप टॉप पे, इसलिए वन टू थ्री, या इसको लेफ्ट से जाते हैं वन टू थ्री, वन कैसे जाएंगी, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब हम इसको टाइमिंग में कैसे बजाएंगे, इसकी टाइमिंग आउट नहीं होनी चाहिए, टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट रह लीजिए। अगर आप ऐसे बजाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको बजाना ऐसे है, वन टू तो इसको इस तरीके से बजाएंगे। अब इसको प्रॉपर तरीके से बजाने का तरीका भी है, तो हो गई हमारी प्रैक्टिस, जो हमने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद हमने इसको प्रॉपर कैसे बजाना है देखिए, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने बजाना है एग्जैक्ट उसी जगह पे बजाएं। अगर हम ऊपर नीचे बजाएंगे तो ये बीट की टाइमिंग चेंज हो सकती है, या बीट का जो स्वरूप है वो चेंज हो सकता है, तो इसलिए बेस प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है, टाइमिंग इसकी चेंज नहीं करनी, और आपको इसके अकॉर्डिंगली ही बजाना है इसको, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन। अब रही इस बीट पर बजने वाले सॉन्ग्स की बात, तो एक बॉबी देओल की फिल्म है जिसका नाम है बादल, उसमें एक सॉन्ग है, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। अब देखिए इसमें कैसे बजेगा, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी जब चोरी में भी है मजा, ठीक है। तो ये इस तरह के सॉन्ग्स में डिस्क्रिप्शन में मैं कई सॉन्ग्स का डाल दूंगा आपको, कि आप किन किन सॉन्ग्स पे इसको बजा सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आप इसका वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या गलती करी है, आपको कैसे इसको ठीक करना है।